इमरान खान को 10 साल की जेल की सजा जो है वो सुना दी गई है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अभी वहां पर जो है माहौल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर भी आप लगातार देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम यानी इमरान खान को, जिनके कई सपोर्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद है, आप भी जानते हैं कि तहरीके इंसाफ की अगर बात करें, पॉलिटिकल पार्टी है उनकी, इसी के साथ साथ जो है उन्हें 10 साल की जेल की सजा जो है वो सुना दी गई है। आप भी जानते हैं इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की अवाम के दिलों में बसते हैं और लोग चाहते हैं कि एक बार दोबारा से जो है पॉलिटिकली जो है इमरान खान दोबारा से सत्ता में आए, लेकिन कहीं ना कहीं इमरान खान को सबसे बड़ा धक्का जो है वो अभी लगा है। सिफर केस में जो है वो इमरान खान के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को जो है वो 10 साल की जेल की सजा जो है वो सुनाई गई है। जिस तरह से लोग ये इंतजार कर रहे थे कि फॉर्मर पीएम की अगर हम बात करें पाकिस्तान के, इमरान खान को आपने तकरीर करते भी बहुत बार सुना होगा, और जिस तरह से बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं, उनके दिलों में कहीं ना कहीं आज भी इमरान खान का नाम जो है वो गूंजता है और वो उनके दिलों में जो है वो राज करते हैं। लेकिन सिफर केस में जो है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को यानी पीएम को जो है वो 10 साल की जेल की सजा जो है वो सुनाई गई है, और अगर इमरान खान को ये सजा जो है वो 10 साल की सुनाई गई है तो आप सोचिए अभी पाकिस्तान में क्या कुछ माहौल होगा। अभी लगातार आपको बता दें कि वहां पर फोर्स को जो है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मानो कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि आवाम की अगर हम बात करते हैं, आवाम जो है काफी बड़े सिलसिलों में जो है वो बाहर आ सकती है वहां पर। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि आफ्टरऑल ये सिफर केस है क्या। ये सिफर केस वो एक केस है कि जिससे आप बता सकते हैं कि अपने ही देश की यानी पाकिस्तान देश की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी और के साथ शेयर करना, ये केस जो है उन पर मुलव्वज़ किया गया था, और दूसरी बार जो है इसमें इमरान खान को जो है वो सजा सुनाई गई है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करते हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं जिन्हें इमरान खान के साथ साथ 10 साल की सजा जो है सुनाई गई है। लेकिन आपको बता दें कि एक स्पेशल कोर्ट के जज जो है अब्दुल हसनत, उन्होंने जो है ये सजा सुनाई है, और साथ ही साथ में अब इमरान खान जो है वो ऊपरी अदालत में जो है वो जा सकते हैं और अपना मुकदमा जो है वो पेश कर सकते हैं कि आफ्टरऑल मुझे जो है वो 10 साल की जेल की सजा जो है सुनाई गई है। आप भी जानते हैं कि इमरान खान जो है वो फाउंडर है पीटीआई के, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से बात करते हैं पाकिस्तान की अगर हम बात करें, उनके लिए भी खबर जो है वो शॉकिंग है। लेकिन इमरान खान का आप देखिए कि अगर 10 साल की सजा जो है वो उन्हें सुनाई गई है, अगर वो ऊपरी अदालत में जाते हैं, उन्हें वहां से राहत नहीं मिलती है, तो किसी ना किसी तरीके से जो है पॉलिटिकल करियर जो है आने वाले समय में जो फॉर्मर पीएम जो है वो इमरान खान बना सकते थे, कहीं ना कहीं अब उनका ये पॉलिटिकल करियर जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की बात करें, उन्हें भी सेम इसी केस में जो है वो सजा सुनाई गई है, यानी अपने देश की इंफॉर्मेशन को लीक करना, और उस समय अपने देश की इंफॉर्मेशन को लीक करना जब आप पर जो है सब भरोसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है दूसरी बार जो है उन्हें ये सजा सुनाई गई है। और आपको ये भी बता दें कि उनके वकील ने बताने की ये कोशिश की है कि कोई बात नहीं, हम अपना मुकदमा जो है वो ऊपरी अदालत में लड़ेंगे और अपनी दरख्वास्त जो है वो ऊपरी अदालत में रखेंगे। लेकिन ऐसे में इमरान खान की बात करें, इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उसे भी एक बार फिर से जो है वो बढ़ाया गया है, और साथ ही साथ बात करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट को जो है वो 10 साल की जेल की सजा जो है वो सुनाई गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि खबर जो है वो पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान से खबर ये आ रही है कि अभी जिस तरह से माहौल की बात करें, माहौल ठीक है, वहां पर ज्यादा फोर्स को जो है वो तैनात किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो सजा जो है उन्हें सुनाई गई है सिफर केस में, और स्पेशल कोर्ट ने जो है उन्हें सजा सुनाई है, और उनके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जेल की बात करते हैं, इमरान खान के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी भी हैं, और दिसंबर 2013 की बात करें तो दूसरी बार जो है उन्हें दोषी ठहराया गया था, लेकिन सजा की जो है मुकर्रर उन्हें किया गया। तो ये आज की जो है वो बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यानी इमरान खान को जो है वो 10 साल की जेल की सजा, और साथ साथ में शाह महमूद कुरैशी को भी। हालांकि अभी उनके पास ऑप्शन है, वो ऊपरी अदालत में जाकर जो है वो बात कर सकते हैं, अपना केस जो है वो रख सकते हैं, देखते हैं कि ऊपरी अदालत से उन्हें कितनी राहत जो है वो दी जाती है।